इधर तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो रियलिटी में अगर देखा जाए ना, तो जैसे दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, अगर हम उसको सही देखें रियलिटी में, तो वो टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस का मतलब, जैसे देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एक चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसने एक फील्ड प्रोड्यूस किया, यानी इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है, मान लीजिए कि इसका इफेक्ट यहाँ तक है, समझे कि नहीं समझे। अब इस रीजन के अंदर अगर कोई अदर चार्ज अगर रख दिया गया, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को इंट्रैक्ट करेगा, और इस रीजन से बाहर अगर यहाँ रख दोगे तो ये कुछ नहीं करेगा, ना तो रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, जैसे मैंने कहा कि वो टू स्टेप प्रोसेस है। क्या होता है कि पहला चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा चार्ज उस फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये होता है टू स्टेप प्रोसेस। अगर जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज क्यों था, इसका जो है ना इफेक्ट इतने रीजन में आ रहा है, एक चार्ज क्यों हमने यहाँ रख दिया, तो ये चार्ज कुछ नहीं करेगा, रखा रहेगा। ये चार्ज इस चार्ज को कोई भी इंट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना तो रिपेल कर सकता है ना अट्रैक्ट कर सकता है। तो फिर हम डिफाइन कैसे करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो फिर क्या बोलेंगे कि किसी पॉइंट चार्जेस के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड जिसमें अगर हम किसी अदर चार्ज को रख दें तो वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। वो रीजन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो डेफिनेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डेफिनेशन क्या है, देखो ऐसे लिखेंगे, अ रीजन और स्पेस। रीजन या स्पेस, अ रीजन और स्पेस अराउंड पॉइंट चार्ज व्हेन अनदर चार्ज ब्रॉट इन, देन इट एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात को समझे, है ना। किसी पॉइंट चार्जेस के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें अगर हम किसी चार्ज को रखें तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स वो रिपेल कर सकता है, वो अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कोई भी इंट्रैक्ट करे, किसी भी टाइप से इंट्रैक्ट करेगा वो अपना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो बात को समझे ना। तो दिस इज इलेक्ट्रिक, क्लियर। ओके चलो अभी देख लेना, आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखो अब देखिए, एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम है इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी। इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटेंसिटी क्या चीज़ है? तो रियलिटी में इंटेंसिटी जो है ना, ये फील्ड की प्रॉपर्टी है। इंटेंसिटी हमें फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था 11th में, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ी थी, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी हमें क्या बताती है? इंटेंसिटी ये बताती है कि मान लो आपके पास दो फील्ड है, तो कौन सा फील्ड स्ट्रांग है, कौन सा फील्ड वीक है। मान लीजिए कि एक चार्ज ये था, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक चार्ज ये था, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब मैं किसी चार्ज को यहाँ रखता हूँ तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगता है,
यहाँ रखता हूँ तो फोर्स कम लगता है, तो इससे मैं समझ जाता हूँ कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और इस फील्ड की इंटेंसिटी कम है, तो फोर्स से हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? कैसे देखोगे? अरे आप यहाँ पे क्यू चार्ज रख दो, यहाँ पे क्यू मतलब क्यू चार्ज रख दो उसका फोर्स देख लो, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दो उसका फोर्स देख लो। समझे कि नहीं समझे? बट इसमें स्टैंडर्डाइज किया गया कि इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन की जाए कि यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स है, कितने पर, यूनिट चार्ज। समझे कि नहीं समझे? देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि आप इन दोनों फील्ड को चेक करके बताओ कि किसकी इंटेंसिटी कितनी है, फोर्स बताओ मेरे को। आपने क्या किया कि यहाँ पे तो रख दिया 2 कूलम, तो फोर्स आया 10 न्यूटन, कितना आया 10 न्यूटन। मान लो आपने यहाँ पर रख दिया 4 कूलम, तो फोर्स आया 10 न्यूटन। आपने कहा कि सर दोनों में बराबर फोर्स है, तो गलती हो रही है ना। अरे यहाँ पे आपने 2 कूलम रखा था उसका 10 न्यूटन है, यहाँ पे आपने 4 कूलम रखा तो उसका भी 10 न्यूटन है, तो आपके हिसाब से तो फोर्स बराबर है बट चार्जेस तो अलग अलग रखे हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि एक काम करो ऐसे नहीं चलेगा, बोले तो बोला चार्जेस बराबर बराबर रखो, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। फिर और सोचते रहे वो, उन्होंने कहा कि एक काम करो 1 कूलम चार्ज की बात रखो, कोई भूल ही नहीं पाए, जब भी इंटेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना तो 1 कूलम रख के चेक करो। समझे कि नहीं समझे? ज़्यादातर चीज़ें 1 कूलम पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो ठीक है, दुनिया इस बात को बोल रही है तो हम भी मान लेते हैं कि 1 कूलम का जो फोर्स है वही इंटेंसिटी है। तो मुझे अगर यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है तो मैं क्या करूँ, 1 कूलम का चार्ज रख दूँ उसका फोर्स देख लूँ क्या वो इसकी इंटेंसिटी, यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख देता हूँ और इस पर फोर्स देख लेता हूँ क्या इस पर जो फोर्स है वो इसकी इंटेंसिटी। समझे कि नहीं समझे? अब होता क्या है कि जैसे मान लो 1 कूलम के लिए इंटेंसिटी डिफाइन हो गई। अब सपोज करिए कि मैं किसी फील्ड को एनालिसिस कर रहा हूँ और मेरे पास 1 कूलम अवेलेबल नहीं है, मेजर्ड वैल्यू 1 कूलम, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं 1 कूलम मेजर करके और फिर मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मेरे पास 2 कूलम का चार्ज है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज रख दूंगा उसका फोर्स देख लूँगा, फिर उस फोर्स को 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 2 कूलम का फोर्स मान लो 10 है तो 1 कूलम का क्या 5 होगा। समझे कि नहीं समझे? फिर उन्होंने और अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट चार्ज कहा जाता है, जिस चार्ज की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं उसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज पहले ही स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, वो ही अपना जो इंटरनेशनल वेटरेंट मेजर्स ऑफिस है उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई भी टेस्ट करें तो पॉजिटिव चार्ज को लेकर करें, जो भी बातें होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होती हैं, किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए कहानियाँ अपोजिट हो जाती हैं। तो देखो सपोज मेरे पास 1 कूलम चार्ज अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक क्यू नोट चार्ज रख दूंगा। अब क्यू नोट चार्ज पर मान लीजिए कि फोर्स आया एफ, तो इंटेंसिटी डिफाइंड तो 1 कूलम के लिए थी, तो मैं क्या करूँगा कि इस एफ को क्यू नोट से ही डिवाइड कर दूंगा। जैसे 2 कूलम का फोर्स 10 तो 1 कूलम का 2 से डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। क्यू नोट का फोर्स एफ है तो यूनिट चार्ज का फोर्स कितना होगा, तो एफ अपॉन क्यू नोट, तो दिस इज द इंटेंसिटी। समझे कि नहीं समझे? इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, फील्ड की, किसकी प्रॉपर्टी है, फील्ड की, बोलो क्लियर। अच्छा ये जो चार्ज है इतना फील्ड है तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी, इस पॉइंट की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। हाँ एक अलग बात है कि मान लो कोई फील्ड ऐसा है जिसके हर पॉइंट की इंटेंसिटी एक जैसी है तो वो फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा, हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो इंटेंसिटी हर पॉइंट पर एक जैसी होगी, और इस पर्टिकुलर केस में अगर अपन देखें तो चार्ज जहाँ रखा है उसके आसपास इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर दूर जाओगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, बोलो क्लियर। तो देखो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इंटेंसिटी के लिए, और ये लिखते भी जाना, बोर्ड भी आपको एग्जाम भी देना है। तो देखो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकाली जाती है, हर पॉइंट की अलग अलग होती है। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट
इन द फील्ड, बोलो क्लियर, इट्स इक्वल टू फोर्स बोलो, इतना समझ आया? ठीक है ना, तो ध्यान से जरा, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बात समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी, बोलो क्लियर। अब देखिए, समझना, इधर F विद फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज, सपोज F विद फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट चार्ज, देन इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F by Q in vector form, you can write it this, clear? तो this is the formula for intensity, है ना? हमने कोई ये जो Q not charge है वो unit तो है नहीं, वो कुछ value है उसकी, तो हमने उसका देखा force F है, उसको Q not से divide कर दिया तो क्या आया? Intensity, yes? समझे कि नहीं समझे? और देखिए जरा, इसको इरेज कर दूं क्या? बोलो, अब देखिए ऐसे लिखना, ये स्केलर है या वेक्टर? इंटेंसिटी वेक्टर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। दूसरी बात, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी? अरे एफ अपॉन क्यू नोट, एफ की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। अरे फोर्स का क्या होता था? फोर्स का होता था एम एल टी माइनस टू, यस और नो? और चार्ज का क्या होगा? एटी। चार्ज का क्या होगा? एटी। तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यस और नो? तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, क्लियर? बोलो, क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो अब आते हैं अपन, इरेज कर दूं क्या इसको? सुप्रिया हो गया क्या? अब देखिए, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज क्यू, इसको बोलेंगे हम सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इंटेंसिटी देख रहे हैं, ये सोर्स है, और इंटेंसिटी देखने के लिए आर डिस्टेंस में मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, यहां पे इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहां पर रखेंगे हम एक टेस्ट चार्ज,
इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या रखा हमने वहाँ पे, टेस्ट चार्ज। ठीक, तो देखो फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, तो दिस इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यस और क्लियर। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यस। तो ई इज इक्वल टू एफ कितना है, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, गॉट माई पॉइंट। अच्छा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर का होल क्यू, अरे वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो सेम टू सेम है ना, बस यहाँ पे क्यू और आ जाएगा एक और, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर। तो देखिए ये जो हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज रख के हमने एनालिसिस की, अब ये तो प्रैक्टिकल मेथड हो गई, ठीक है कि भाई टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है, बट सवाल आप जब करोगे तो कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्यूब क्या है, सोर्स चार्ज है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है, सपोज 10 माइक्रो कूलम, इससे मान लो कि 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इंटेंसिटी पूछी है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, अरे के ये वाला चार्ज 10 माइक्रो कूलम अपॉन ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, खत्म, हमें ना टेस्ट चार्ज रखना ना कुछ करना, सीधा ही, बोलो क्लियर। डायरेक्शन क्या होगी इंटेंसिटी की, जिधर फोर्स की होगी, अरे यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव रख दोगे इधर रिपेल करेगा, ये तो इधर डायरेक्शन होगी फोर्स की तरह, समझे कि नहीं समझे, है ना, तो ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं इसको, बढ़िया यूनिट कन्वर्ट कर लेना, बट एक तरीका बताया है मैंने कि हमें टेस्ट चार्ज की जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, हमें तो डायरेक्ट देखो के क्यू यानी सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्ट, दिस इज द इंटेंसिटी, बोलो क्लियर। एक सवाल लेते हैं इस पर, इरेज कर दूं इसको, समझ आया कि नहीं, समय ये वाला, अब जैसे मान लीजिए सवाल इधर, सपोज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, टू चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द टू कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द नेट इंटेंसिटी एट थर्ड कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, यहां पे चाहिए हमें नेट इंटेंसिटी, यस और नो, बोलो क्लियर। तो क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर इसके कारण इधर आएगी कितनी, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यस और नो, इसके कारण यहां इंटेंसिटी आएगी इधर कितनी, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यस, बिल्कुल फोर्स की तरह। अब इंटेंसिटी वेक्टर है, ये एंगल 60 डिग्री, तो नेट कितनी इंटेंसिटी आएगी, तो आपको मालूम है 60 डिग्री पर हम फोर्स पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिकली आंसर आएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 3, समझ आया कि नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब जितने सवाल मैंने आपको फोर्स पे कराए थे उन सभी सवालों को मैं यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ इंटेंसिटी के लिए। जैसे मान लो कि अभी अभी जो आपने सवाल पूछा था, हटा दो इसको, जैसे अभी सवाल पूछा था पीयूष ने, सवाल ये था कि इक्वल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 1
एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू एट। मतलब एक्स इज इक्वल टू वन पर एक चार्ज क्यों रखा है, एक्स इज इक्वल टू टू पर एक क्यों रखा है, एक्स इज इक्वल टू फोर पर एक क्यों रखा है, एक्स इज इक्वल टू एट पर क्यों रखा है, और अप टू इन्फिनिटी अप टू। अब उसने पूछा, अब देखो एक सवाल ये भी बन सकता है कि यहाँ पर रख दिया उसने मान लो क्यू नॉट, तो ये भी पूछ सकता है कि जो चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स बताओ सभी की वजह से। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है, मान लो यहाँ पे, तो सवाल अपना मतलब इंटेंसिटी का है, तो फिर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी तो एक पॉइंट की कैलकुलेशन होती है, वो किसी चार्ज का फोर्स थोड़ी होता है, वो तो ये बताती है कि भाई इस जगह पर आप एक कूलम चार्ज रख दोगे तो फोर्स कितना लगेगा। तो हम तो एक कूलम मान के चलते हैं उस जगह को, तो देखो यहाँ पे इसके कारण इंटेंसिटी इधर आएगी डायरेक्शन, इसके कारण इंटेंसिटी इधर ही, इसके कारण इंटेंसिटी इधर ही, और इंटेंसिटी वेक्टर है, इंटेंसिटी क्या है, तो एक ही डायरेक्शन में ये सब तो ऐड हो जाएगी, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से जरा, इसके कारण या इंटेंसिटी के क्यू वाई वन स्क्वायर, इसके कारण या इंटेंसिटी के क्यू वाई टू स्क्वायर मीन्स फोर, या सॉ इसके कारण के क्यू वाई 16, इसके कारण के क्यू वाई 64 अप टू इन्फिनिटी, यस नाउ के क्यू कॉमन, देन 1 प्लस 1 वाई 4 प्लस 1 वाई 16 प्लस 1 वाई 64 अप टू इन्फिनिटी, यस और। अब ये सीरीज जब हमने देखा तो ये सीरीज है जीपी, क्या ये जीपी, और विद द कॉमन रेशियो 1/4। अगर कॉमन रेशियो जीपी में एक से छोटा होता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अगर कॉमन रेशियो एक से बड़ा होता तो फॉर्मूला मतलब इस पर्टिकुलर केस में तो इन्फिनिटी हो जाता, क्योंकि एक बात बताओ कि हर टर्म एक से बड़ा है, मान लो एक से बड़ा है, अनंत तक है, तो रिजल्ट को अनंत ही आना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक ऐड करना है और सब एक से बड़े हैं, तो रिजल्ट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि टर्म तो इन्फिनिटी है बट पहला वन है, उसके बाद 1/4, 1/16 छोटे होते चले जा रहे हैं। एक बताओ, ये वन है, इन सब का रिजल्ट एक से छोटा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आंसर एक से, एक तो है ही, एक से जरा सा ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, जब कॉमन रेशियो एक से छोटा होता है और इन्फाइनाइट टर्म होते हैं तो जीपी का एक फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - r। ये ए क्या है, जीपी का फर्स्ट टर्म होता है ये, और r क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है कि एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि दूसरा टर्म मिल जाए, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, तो कॉमन रेशियो इज 1/4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो ध्यान से, ये के क्यू, ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो ए की जगह पे फर्स्ट टर्म यानी 1, और 1 - r की जगह पर कॉमन रेशियो 1/4, तो आंसर आ जाएगा 4KQ/3। बोलो बात को समझे, तो ये आंसर है इसका। तो इंटेंसिटी पे अपन ऐसे सवाल कर सकते, मतलब अगर किसी ने फोर्स पर एनालिसिस कर लिया है तो उसके लिए इंटेंसिटी फोर्स जैसी बात होती है, कोई अलग से नहीं है, वो बिल्कुल एक जैसी है। फिर भी प्रैक्टिस आपको करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है, विदाउट प्रैक्टिस तो हर चीज़ इजी चीज़ भी टफ लगने लगती है, ठीक है ना। तो ये समझ आया थोड़ा बहुत, क्लियर। कितना हो गया एग्जैक्ट, ठीक है, फिर इसको